जी आज ये जो आप स्वास्थ्य शिविर लगाए हुए हैं तो किस अवसर पर लगाए हुए हैं? ये कैनरा बैंक के मैनेजर मैम जो हैं उनके दिशा निर्देशानुसार जो कहा गया जो आज एक हेल्थ चेकअप कैंप रिक करवाए तो उसी पर्पज़ से हम लोग यहाँ आए। और पालिका विनायक हॉस्पिटल जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है बहादुरपुर फ्लाईओवर राजेंद्र नगर के पास, उससे हम लोग बिलोंग करते हैं। दूसरी बात है सर, जो वहाँ एक ऐसी मतलब डॉक्टर व्यवस्था है और ऐसी प्राथमिक चिकित्सा सेवा अनवरत 10 सालों से निरंतर चलती आ रही है, और जो निम्न स्तर के गरीब हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं उसका भी समुचित इलाज वहाँ किया जाता है। उसका सिर्फ एक माध्यम है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष के द्वारा जो निसहाय हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनका भी इलाज वहाँ निःशुल्क होता है। सिर्फ उनको क्या चाहिए तो एक आय प्रमाण पत्र और दूसरा आधार कार्ड। तो आय प्रमाण पत्र एक 50,000 से लाख 1.5 लाख के बीच का हो जाता है और एक आधार कार्ड, वो दो प्रमाण पत्र लेके पहुँचते हैं उस अस्पताल में। तो वहाँ उनका करीब 15-20 फैकल्टी के जो डिजीज हैं जो बीमारी हैं उनका इलाज निःशुल्क वहाँ किया जाता है, जो कि वहाँ इन पैनल हो जाते हैं और वो चला जाता है कलेक्ट्रेट ऑफिस और वहाँ से जब फंड निर्गत होता है तो उनको बुला करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। उस प्रोसेस में 5 से 10 दिन 15 दिन के भीतर में वो निर्गत हो जाता है। इसके बाद वहाँ से सारा फंड रिलीज होने के बाद अपना निःशुल्क इलाज वो करते हैं, यानी कि वो जो मरीज जो बन के जाते हैं उनका अपने जेबी से एक पैसा भी नहीं लगता है और इलाज समुचित हो जाता है। तो यहाँ जनरल जाँच चल रहा है ना? अभी जनरल जाँच चल रहा है। ये सिर्फ एक दिन का होगा? एक दिन का है। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अवधेश कुमार मिश्रा हुआ जी। मैं मार्केटिंग हेड हूँ पालिका से, और डॉक्टर सब हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, ये मैनेजर सब हैं। तो सारे लोगों को देखते हुए हमको लगता है जो 100 से ऊपर अप्रॉक्स जांच की जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।